हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक जिसके लिए हम पढ़ाई लिखाई करते हैं बचपन से, फिर जॉब करते हैं, फिर सारे लाइफ के स्ट्रगल्स करते हैं, बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, मतलब सारा सब कुछ इसी टॉपिक पे है कि हाउ टू गेट रिच। तो एक्चुअली टॉपिक हाउ टू गेट रिच नहीं है, एक्चुअली टॉपिक है कि जापानीज, व्हाई आर द जापानीज पीपल सो रिच। तो जापानीज लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, और इतना छोटा देश है फिर भी 99% बंदे यहाँ पे अमीर होते हैं। तो मैंने 13 साल में जो जो ऑब्जर्व किया है वो मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन है, और मैंने जो सीख लिया है मेरे फ्रेंड से, मेरे कलीग से, मेरे सीनियर से, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो क्या पता फ्यूचर में जाके आप भी अपना अमीर बन सके, या फिर जापानीज की तरह आप भी एक बहुत ही नाइस लाइफ जी सके। तो पहली बात तो दोस्तों, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, सो ये एक प्लस पॉइंट इनका है ही कि ये दे आर बॉर्न इन अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, तो कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों को। शुरू से ही ये मतलब एक लेवल के ऊपर ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इनका, सो दैट कैन नॉट बी हेल्प्ड। लेकिन जापानीज के कुछ कोर क्या बोलते हैं पॉलिसीज है, कुछ कोर वैल्यूज है जो ये जनरेशन पे जनरेशन अपने बच्चों को शिक्षा दे के जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब मैं आई थी 10 साल पहले, तब जापान में क्रेडिट कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह बहुत ही कम यूज होता था। अभी भी जो ओल्ड जनरेशन है वो लोग कैश इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं, और ज्यादातर आप देखेंगे जो ओल्ड जनरेशन है उनका बैंक अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिस में। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस अकाउंट। तो एटीएम में जब आप जाएंगे और आपके सामने अगर कोई एजेड पर्सन पोस्ट ऑफिस अकाउंट एटीएम में पीप पीप कर दिए, तो आप समझ लेना 20-25 मिनट तो लगी जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा से कैश कंट्री रहा है। जापान इज अ कैश कंट्री, ये कैश पे ज्यादा बिलीव करते हैं। ये क्रेडिट कार्ड, ये डेबिट कार्ड, ये कार्ड सिस्टम बहुत बाद में आया, और अब चल रहा है क्योंकि अभी ओलंपिक्स आने वाला है। ओलंपिक्स के बाद फिर से ये वही अपने, लेकिन ओल्ड जनरेशन अभी भी कैश सिस्टम, कैश में बिलीव करते हैं। तो ये कैश में स्पेंड करते हैं, कैश में पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिसीव भी करते हैं कैश में ज्यादातर। तो इससे क्या होता है, जो क्रेडिट कार्ड के जिनको जैसे मान ली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना नहीं आता ओल्ड जनरेशन को, और फिर हैक्स होता है, साइबर अटैक्स होता है, बहुत कुछ होता है जो मतलब फिर कार्ड सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए भी इरिटेशन होता है, दुकान में इंस्टॉल करो फिर कार्ड सिस्टम ये वो। मतलब अभी तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गया है, लेकिन अभी भी उनके दिल में कैश इस्तेमाल करने का चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो कैश ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल ही नो, बहुत ही कम जापानीज होंगे जो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। और क्रेडिट कार्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ये पता है, आप अगर क्रेडिट कार्ड से जैसे मान लीजिए 10,000 का कुछ सामान खरीदेंगे, तो उस कार्ड में आपको 1,000 का पॉइंट मिलेगा, तो वो पॉइंट आप जमा करते करते जब आपका ज्यादा पॉइंट हो जाएगा, तो आप उस पॉइंट से फिर कोई सामान खरीद सकते हैं। तो वो पॉइंट जमा करने के वजह से ये लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ना कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। और क्रेडिट कार्ड जिस महीने में इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर लोग उसी महीने में टोटल पेमेंट दे देते हैं। तो सिंपली बोले तो ये अपना कैश जो है वो कैश में पेमेंट ना करके क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करते हैं, सिर्फ पॉइंट जमा करने के लिए, और फिर उसी कैश को वो उसी महीने पेमेंट कर देते हैं ताकि क्रेडिट कार्ड में कोई आउटस्टैंडिंग बिल ना रहे। तो ये मैंने बहुत कॉलीग्स को देखा है, मेरा ज्यादातर कलीग्स ऐसे करते हैं। जैसे कि हमारा जो ट्रेन का तेकी होता है वो आता है तीन मंथ 2000 में, तो 3 मंथ 2000 अगर आप एक साल तक हर महीने आप 300-300 पॉइंट करके जमा करेंगे, तो आपका होगा 3600 पॉइंट्स। 3600 पॉइंट्स से आप वो जो कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट सिस्टम की वजह से ये लोग अभी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अपने क्रेडिट कार्ड्स पे आउटस्टैंडिंग कोई भी कुछ नहीं रखते, ये तुरंत पेमेंट कर देते हैं ताकि उसमें कोई, जैसे मान लीजिए अगर आप उसको रिबो बराई कर दिया या फिर बुंकात्सु बराई कर दिया, मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे जो भी क्रेडिट कार्ड में आपने यूज किया, तो उसपे उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वो ये सब लॉस नहीं करना चाहते। सो दिस
दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट द जापानीज पीपल बिलीव, दे बिलीव इन कैश, दे बिलीव इन कैश सिस्टम. और अगर कैश कार्ड में कन्वर्ट भी करते हैं वो सिर्फ पॉइंट जमा करने के लिए, ना कि उसको बाद में रिवॉल्विंग पेमेंट करके 12 महीना 13 महीना बाद उसको पेमेंट करने के लिए नहीं करते. सो दिस इज वन, ये सबसे बड़ी सीख है. दूसरा, जापान एक ऐसा कंट्री है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन लोगों ने बहुत मेहनत की, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मेहनत की, सब ने मिलकर मेहनत की ताकि इनका देश बन सके. तो इनका मेन जो वो है कि वो कैश को लक्ष्मी मानते हैं, वो हम भी मानते हैं, लेकिन हम अपना नोट्स फोल्ड कर लेते हैं. अब देखेंगे पेमेंट करने के बाद नोट फोल्ड करके पॉकेट में डाल दिया. जापानीज हमेशा लंबे लंबे बैग्स लेके चलते हैं, थोड़ा मेंडोक्सा होता है. ये देखिए ऐसे लंबे लंबे बैग, तो ये नोट फोल्ड होता ही नहीं, ये नोट पूरा लंबे लंबे बैग में, बैग के अंदर रख देते हैं. तो नोट फोल्ड नहीं करते, नोटों पे कुछ लिखते नहीं है, नोटों के ऊपर आई लव यू या ऐसा कोई भी मैसेज ये नहीं लिखते. तो इनका नोट, मतलब जो लक्ष्मी है, नोट्स, बैंक नोट्स या फिर कॉइन्स, एक एक येन के कॉइन भी ये लोग बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं और उसको बहुत संभाल के, इनका अलग से कॉइन पाउच होता है, कॉइन पाउच के अंदर रखते हैं. मतलब इतना रेस्पेक्ट देते हैं, इतना रेस्पेक्ट देते हैं कैश को, इतना रेस्पेक्ट देते हैं लक्ष्मी को. और लक्ष्मी जी को रेस्पेक्ट दो तो लक्ष्मी जी वैसे भी आपके घर में रुकेंगी, इसमें कोई डाउट तो है नहीं. अगर आप हिंदू है और ये बिलीव करते हैं तो ऐसा ही है. तो ये नोट को बहुत, मैं रिलीजन पे नहीं जा रही हूँ, ये नोट को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है. तो दोस्तों ये तो था किहोन, मतलब बहुत ही मिनिमम बातें जो ये लोग करते हैं. लेकिन मेन चीज जो होता है वो होता है फाइनेंशियल एजुकेशन. जैसे मान लीजिए हम लोगों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके, पैसे को मैनेज करने के लिए, जब तक हम, मतलब एक उम्र के बाद जाके जब ज्वाइन करते हैं तब भी हम अपना तनख्वाह लेके मम्मी को दे देते हैं मैनेज करने के लिए, है कि नहीं. तो ये लोग बचपन से ही अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, जो कि हम बिल्कुल नहीं देते. हम सोचते हैं बच्चा है, इसको अभी क्या पैसों की क्या प्रॉब्लम, सीख है, ये है वो है. और वही बच्चा जब मेरी तरह बाहर चली जाती है पढ़ाई करने, या फिर उनको कोई अच्छा जॉब मिलता है, तो वो मनी मैनेजमेंट कर नहीं पाते. तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि जापानीज देते हैं, और मैंने खुद अपने कलीग को देखा. जैसे कि मान लीजिए कि उनका जो बच्चा था उसको जब भी कोई पॉकेट मनी मिलती थी, मिलते हैं इनका ओबोंग या फिर गोल्डन वीक, ये वो, इनके दादा दादी भर भर के पैसे देते हैं, मतलब तीन मंथ तो मिनिमम देते ही देते पॉकेट मनी कि कोई वीडियो गेम खरीद ले या कुछ खरीद ले. लेकिन वीडियो गेम ये अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स उनको दे ही देते हैं. तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को लेके जाते हैं एटीएम. और दोस्तों जापान में एटीएम से भी आप पैसे जमा कर सकते हैं अपने अकाउंट में. तो ये बच्चों को लेके जाते हैं एटीएम, और एटीएम में मतलब खुद सिखाते हैं कि पैसा जमा कैसे करे. तो वो बच्चा बचपन से ही सेविंग्स की तरफ उसका एक क्या बोले, ये बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक क्वालिटी हो जाता है कि हाँ ऐसे सेविंग्स होता है. सेविंग्स उसके बचपन से ही उसके दिमाग में है कि इसको सेविंग्स बोलते हैं, कि अपने बैंक अकाउंट में डालो. तो आप समझ सकते हैं क्या होता है, मतलब ये फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों को कभी नहीं मिला था. मैं तो अभी भी अपना फाइनेंस ठीक से मैनेज नहीं कर पाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इन लोगों के साथ रहते रहते, मुझे भी मेरे जापानीज फ्रेंड्स के साथ रहते रहते स्पेशली मुझे भी बहुत वो हो गया, क्या बोले, शिक्षा मिल गई है. सो अभी मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनसे पूरा पूरा मनी मैनेजमेंट का टिप्स लेके अपने लाइफ में अप्लाई करूँ, ताकि मैं भी इन लोगों की तरह अमीर बन जाऊँ. सो बचपन से ये लोग शिक्षा देते हैं, ओके. बचपन से इनका जो फाइनेंशियल एजुकेशन इनको मिलता रहता है, अपने माँ बाप से बोलिए या फिर अपने दादा दादी से बोलिए, तो ये बहुत ही एक क्या बोले, इसका असर इनके फ्यूचर में जाके पड़ता है. जब वो सच में कॉलेज खत्म करता है और फिर वो काम पे लगता है, तो उसको अच्छी तरह से पता होता है कि कितना परसेंट सैलरी का सेविंग्स में डालना है, क्योंकि वो बचपन से ही सेविंग्स करता है. तो ये इसके लिए नई बात नहीं है कोई, और कितना पैसा इस्तेमाल करना, ये तो गया एक मेन पॉइंट. फाइनेंशियल एजुकेशन बचपन से इनको मिलता है. ओके फ्रेंड्स, तो दूसरा ये है कि दे स्टार्ट अर्ली, ये बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये फैसिलिटी इंडिया में हम लोगों को नहीं मिलता. आजकल शुरू होने वाला है, शुरू हो रहा है धीरे धीरे,
कि पार्ट टाइम जॉब्स का, तो ये लोग पार्ट टाइम जॉब्स कर लेते हैं, मतलब कोको मतलब क्लास 11 12 या फिर दाइगा को घुसते ही ये लोग कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब्स कर लेते हैं। तो ये कर करते इनके मम्मी तो इनके पढ़ाई के खर्चे उठा ही रहे मम्मी पापा, तो ये जो पार्ट टाइम जॉब्स करते ही इनके जैसे मान लीजिए इनका फोन बिल आता है एक मान से डेढ़ मान, तो वो पार्ट टाइम जॉब करके कितना कमा लेता होता, 8 मान 9 मान, तो उसमें से 1.5 मान वो दे देता है अपने फोन बिल में और बाकी पैसा वो सेव करता रहता है। क्योंकि ज्यादातर जापानीज बच्चे जाना चाहते हैं बाहर कनाडा अमेरिका इंग्लिश कंट्रीज में 1-2 साल का रयूगाकु करने, ये इनका ड्रीम होता है, ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है ये बाहर जाना चाहते हैं। तो उसके लिए वो सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं राइट फ्रॉम द टाइम वो लोग क्लास 11 12 जाते हैं, और अगर उनको क्लास 11 12 नहीं होता तो दाइगाकु यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर से कदम रखते वो लोग काम करना चालू कर देते हैं और पैसा सेव करना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पैसा सेव करके उसी पैसे से वो बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए इंग्लिश कंट्रीज, नो, वो अब लोन लेके जाते हैं क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट यहाँ के बैंक स्टूडेंट्स लोन बहुत देते हैं इनको, खासकर अगर बाहर जाके पढ़ाई करना होता है। और इनका ये है कि स्टूडेंट लोन दे तो दिया, वो जब पढ़ाई खत्म होगी ये वापस आएंगे, जब इनको नौकरी मिलेगी तब ये धीरे धीरे उसको पेमेंट करेंगे, पे बैक करेंगे। तो ऐसा सिस्टम होता है स्टूडेंट लोन का, तो वो स्टूडेंट लोन लेके तो जाते हैं लेकिन वो जो पैसा वो अपने यूनिवर्सिटी के 4 साल तक कमाया वो अपना सेविंग्स में रख के जाता है कि कभी विदेश में कुछ भी हुआ अगर उसे जॉब नहीं मिली, क्योंकि इनको पता है कि जापानीज को इंग्लिश कंट्री में जाके एक रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, तो हो सकता है उनको जॉब नहीं मिले, तो उसके लिए वो लोग पहले से ही तैयार होके जाते हैं, काफी सारा पैसा जमा करके फिर जाते हैं। और दोस्तों जो विदेश बाहर नहीं जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए वो क्या करते हैं, वो सेविंग्स कर लेते क्योंकि ये कल्चर है, दाइगाकु घुसते ही यूनिवर्सिटी जाते ही ये लोग पार्ट टाइम शुरू कर देते, तो इनका ये सेविंग्स हो जाता है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो आप सोचिए 4 साल तक जो बंदा हर महीने 7-8 मान करके मतलब 70,000-80,000 जापानीज येन 7,500-35,000 35,000-40,000 रुपए अपने जमा करता रहा है, तो जब तक वो दाइगाकु अपना यूनिवर्सिटी खत्म करेगा और उसके बाद जॉब ज्वाइन करेगा तब तक उसके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस हो गया, ऑलरेडी उसका स्टार्ट से पहले उसके जॉब स्टार्ट से पहले ही उसने सेविंग्स कर ली। सो इसीलिए ये लोग अपना जॉब ढूंढते हैं 6-7 महीने लगा के, ये अपने जहाँ पे जॉब करना चाहते हैं जिस चीज में वो पैशनेट है सिर्फ उसी कंपनियां ढूंढते हैं और बहुत टाइम लगा के ढूंढते हैं क्योंकि इनको सेविंग्स ऑलरेडी है, इनको कोई जल्दी नहीं है कि जैसे तैसे एक जॉब मिला और उसी में घुस के उसी को काम करने लगे, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत टाइम लगा, मतलब अक्टूबर में स्टार्ट करते हैं जॉब ढूंढना और जाके अगले मार्च में जाके ये लोग जॉब फिक्स करते हैं ताकि उनको अपना मनपसंद जॉब मिले और उनको बार बार जॉब चेंज करना ना पड़े। तो ये जब तक जॉब स्टार्ट कर रहे हैं तब तक इनका बैंक एक्चुअली बचपन से ही इनका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है क्योंकि बचपन से ही जो भी पॉकेट मनी मिल रहा है वो उसका 70% ये सेव कर लेता, 30% का कुछ खरीद लेते हैं वीडियो गेम्स वगैरह या फिर मांगा वगैरह। और फ्रेंड्स इनके हर साल का एक सेविंग टारगेट होता है, जैसे ही ये जॉब ज्वाइन करते हैं जापान में एक नियम है कि अगर आप फ्रेशर है आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका सैलरी कम होगी। ये ना एक कंपनी एक ये सारे कंपनियां मिलके एक कल्चर बना रखा है कि इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है हमारे कंपनी में आके एक्सपीरियंस गैदर कर रही है तो इसका सैलरी कम देंगे हम, तो सैलरी कम देती है। तो जो भी जैसे ही वो जॉब में जाते हैं वो कम सैलरी में ज्वाइन करते हैं और उस जॉब को 3-4 साल 5 साल तक मिनिमम करते हैं, सो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है और उसके बाद वो कंपनी चेंज करके दूसरे कंपनी में जाके अपना सैलरी नेगोशिएट कर लेते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी खत्म करते हैं 21 ईयर्स ओल्ड में, 5 साल तक अपने काम किया तो आप 26 है, ऐसा नहीं कि 26 तक आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं होगा, हाँ आपका सैलरी कम हो सकता है लेकिन जापानीज लोग बहुत सेव करते हैं आपको जैसे बताया। इनका मेन अमीर होने का फंडा या फिर जो भी कीवर्ड है वो है सेविंग, तो वो सेव कर लेते हैं 5 साल तक काम करते हैं और उसके बाद 5 साल तक ये लोग अपने सारे शौक सैक्रिफाइस भी करते हैं। मैंने देखा है, मेरे जूनियर्स को देखा है, हमारे कंपनी में जो नए नए बंदे आते हैं उनको देखा है,
पांच साल तक ये अपने सारे शौक सैक्रिफाइस करते हैं। हालांकि वो यंग होता है, 21 से 27 तक सबसे यंग एज होता है, लेकिन वो सैक्रिफाइस कर देते हैं। ओके एनीवेज, सो बाय द एज ऑफ 21 से 26 या फिर 27 ये लोग अच्छा खासा बैंक बैलेंस, आप सोच भी नहीं सकते। जो बंदा बचपन से सेव कर रहा है, फिर दाइगाकू का 4 साल सेव किया और उसके बाद अपने नौकरी का 5 साल सेव किया, तो उसके पास जितने पैसे हो गए ऑलरेडी, उतना तो हमें रिटायरमेंट के बाद भी नहीं मिलता इंडिया में। ऐसे समझ गए ना आप मैं क्या इशारा कर रही हूँ। हाँ, तो सेव कर लिया और फिर 26 के बाद वो दूसरा कंपनी ज्वाइन करके सैलरी नेगोशिएट कर लिए और उसके बाद उनका शौक पूरा करना स्टार्ट होता है। क्यों? अब तक उनका सैलरी कम था लेकिन अब उनका सैलरी ज्यादा है, तो जो उनका फिक्स्ड सेविंग्स का टारगेट है वो तो होता ही है हर साल। जैसे मान लीजिए हर साल अगर 400 मान उनका ईयरली पैकेज है तो उसमें से वो 250 मान सेव करेंगे। उसके लिए अगर उसको बाकी कॉन्सर्ट्स या फिर मूवीज या फिर कैफीज या फिर डिस्कोथेक्स सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मेन गोल है कि मैं इन 400 मान से के अंदर 250 मान मैं सेव करूंगी अपने बाय द एंड ऑफ द ईयर। सो उसके लिए दैट इज हर गोल, सो उसके लिए वो कुछ भी कर जाएगी, कुछ भी मतलब कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। अब तो अपने शॉपिंग भी सैक्रिफाइस कर दीजिए कभी कभी। मैंने खुद अपने आप को देखा है, मैं आप खुद अपने जूनियर्स को देखती हूँ और मैं सोचती हूँ ये लोग कितने मेच्योर होते हैं और इंडिया में ये मेच्योरिटी क्यों नहीं है, क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल भी, हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी कोई चैप्टर नहीं है जिसमें फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। सेक्शुअल एजुकेशन तो है क्लास 9-10 में, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज काइंड ऑफ वियर्ड, सोचना चाहिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर या जो भी है, या फिर आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये अगर बाहर जाएंगे ये काम करने नौकरी करने तो ये अपना फाइनेंस कैसे सेव करेंगे। सब कुछ मम्मी को लेके दे दिया और मम्मी सेव करी या मम्मी मैनेज करी, तो मैं तो एकदम पागल हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं आता। तो इट्स लाइक दैट, सो दिस इज व्हाट दे डू, दे स्टार्ट अर्ली एंड फिर जब वो सैलरी नेगोशिएट कर लेती है एक हिस्सा तो वो सेविंग्स के लिए टारगेट करके ही रखती है और दूसरा उड़ाती है। इसीलिए आप ज्यादातर देखेंगे जब शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाएंगे, 26 इज नॉट अ बिग एज, 26 इज जस्ट अ यंग एज, राइट, 26, 27, 30। सो ज्यादातर मॉल में जाएंगे तो देखेंगे ये लोग बहुत ब्रांडेड चीजें खरीद रहे हैं। कोई बात नहीं, एक जैकेट, मैं तो जैकेट जो मेरा शॉपिंग हॉल देखा आपने, मैं जैकेट 50% सेल दिया था इसलिए खरीद के लाई हूँ, लेकिन कोई जापानीज होता वो सेल वेल खान के ना आए, वो देखेगी भी नहीं, वो खरीद के ले आएगी चाहे कितना भी पैसा हो, अगर उसको अच्छा लगे वो खरीद लेगी। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग कि ये सेविंग करते हैं लेकिन ये नहीं कि पूरा ही छाप लेते हैं, ये पैसे खरीदारी करके पूरा पैसे को वो सर्कुलेट भी करते हैं देश में, तो इतना खरीदते हैं, गिफ्ट्स खरीदते हैं, आज ओबोंग हो गया, कल हेलोइन हो गया, कल क्रिसमस हो गया, तो ये एक दूसरे को गिफ्ट्स भेजते रहते हैं। तो क्या होता है, तो ये सेल्स भी चलता रहता है और पूरा जापान में ये पैसा सर्कुलेट होता रहता है, ना शॉपकीपर गरीब रहते हैं ना खरीदने वाला गरीब रहता है, मतलब यू नो ये सर्कुलेशन बहुत अच्छा चलता है पैसे का, सो देश भी अमीर रहता है। तो दिस इज एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर ऑफ बिकमिंग अमीर ऐसे बनते हैं, बचपन से शुरू करना पड़ता है। वो कहते हैं ना एक घर का नींव अगर स्ट्रांग रहता है तो घर कभी नहीं टूटता, इनका भी फाइनेंशियल नींव बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इनका जॉब चला भी जाए ना तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टाइम लेके जॉब ढूंढते हैं। और हमारा जॉब चली जाए तो हम तो पागल हो जाते हैं, अरे एक हफ्ता हो गया जॉब नहीं है, पागलों की तरह हलवक जाते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, जॉब चाहिए, जब तक ना जॉब मिलता है और कोई भी जॉब में नेगोशिएट कर लेते हैं, कम दे ज्यादा दे बस जॉब दे दे ऐसे। इसीलिए ना नीव, फाइनेंशियल नीव, द बेस ऑफ द फाइनेंस शुड बी स्ट्रांग। और ये बात मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है एक जापानीज सोसाइटी से। तो अगर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं या फिर आप अपने जिंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। कभी भी आपका उम्र भी हो चुका है तो भी कोई बात नहीं है, स्टार्ट नाउ, अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी आप अमीर बनेंगे। तो इसलिए सेविंग्स बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर ये इंडिया के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, इफ यू कैन save a lot of money within a certain age, कुछ एज तक, एक हद तक सेव कीजिए, ये नहीं कि 100% सेव कर लिया,
कुछ हद तक सेव कीजिए ताकि आपका फाइनेंशियल बेस बहुत स्ट्रांग रहे, आपकी फाइनेंशियल नीड स्ट्रांग रहे, तो कि फ्यूचर में जाके आपको कभी भी किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज द जापानीज वे, और ये करते हैं इसलिए 99% जापानीज अमीर है। और एक चीज है दोस्तों, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग अगर कुछ है तो ये जापानीज है। आप किसी जापानीज को देख के ये नहीं बता सकते कि ये अमीर है, क्यों? हमारे वो अमीर कैसे पता चलता है? सोने का चेन पहन के, हाथ में सोने का घड़ी पहन के, नाक में सोना, कान में सोना, फिर मर्सिडीज गाड़ी खरीद लिया, मर्सिडीज में जाते हैं, एसी घर में रहते, इन सब से पता चलता है कि ये अमीर है ना, हमारे वहाँ ऐसे ही होता है। लेकिन ये जो शो ऑफ होता है ना, वो जापानीज में बिल्कुल नहीं है। अभी आपको मैं अगर रास्ते में जाते हुए इतने जापानीज दिखते हैं, सारे के सारे अमीर है, इनफैक्ट हम लोगों से बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन ये लोग वही पैदल चल के जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं। हालांकि ये है कि इनका गवर्नमेंट ने पूरा ट्रेन एसी कर रखा है, स्टेशन एसी कर रखा है, ये इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि इन लोगों ने गंबारू किया है, इन लोगों ने सेव किया, इन लोगों ने अपना पैसे से सामान खरीदा, उस पैसे को सर्कुलेट किया और इस देश को बनाया। लेकिन हम लोग ये फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, इसलिए बहुत फालतू खर्चा करते हैं और पैसे की ऐसी तैसी कर देते हैं, लक्ष्मी जी को खुद ही लात मार के निकाल देते हैं हमारी जिंदगी में, जिंदगी से, और फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं अभी बहुत कॉशियस हो गई हूँ अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके, पहले नहीं थी बट अब हो गई हूँ। सो दिस इज आई थिंक द ओनली चेंज दैट हैपेंड टू मी इन 2018-2019। तो आपको भी मैं बोलना चाहूंगी, दिस इज हाउ व्हाट आई ऑब्जर्व्ड हाउ दे सेव मनी एंड हाउ दे बिकम रिच। तो एक रिचनेस सोने से नहीं आता, रिचनेस आता है नॉलेज से, दैट इज व्हाट आई बिलीव। मैं यही बिलीव करती हूँ कि जितना नॉलेज आपको है, जितनी आपको एजुकेशन है, उतना आप रिच है, दैट्स हाउ यू आर रिच। तो आप किताबें पढ़िए, बहुत सारी किताबों में बहुत ज्ञान है, जितना ज्ञान आपको बढ़ेगा, आपको धीरे धीरे लगता रहेगा कि दिस ये सोना पैसा गाड़ी ये सब तुच्छ है, इट्स यूजलेस। जो मेन चीज है वो है ज्ञान, उससे बंदा अमीर होता है, गरीब होता है, मेरे हिसाब से। पैसे का क्या है, आता जाता रहता है, सेविंग्स करे तो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन ज्ञान जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ज्ञान इज द मेन वेल्थ, जो कि जापानीज का है। ये बहुत किताब पढ़ते हैं, आप अभी भी चले जाइए किसी किताब के स्टोर में, यहाँ पे ना खड़े खड़े भी आप किताब के स्टोर में जाके ना खरीद के भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नया किताब का स्टोर खुला और सारे जापानीज, आज छुट्टी है तो सारे जापानीज जो अकेले रहते हैं वो वहाँ पे खड़े खड़े किताब पढ़ रहे हैं, आप जाके देखिए। तो ये ज्ञान भी लेते हैं, ये सेविंग्स भी करते हैं, और इसीलिए जापान इतना रिच कंट्री है, क्योंकि दे हैव नॉलेज, they have finance, they have savings, they have money circulating throughout the country. तो ये बहुत ही एक अच्छा सिस्टम बन रखा है फिनेंस का, this is what I want to say. तो यही है, मैं क्या बोल रही थी और कहां से कहां चली गई पता नहीं, but anyways जो भी बोला आपको समझ में तो आ ही गया है, so that is it. So yeah, all the best for your financial venture and क्या बोलू, see you in my next video very soon. मेरे पास बहुत videos lined up है, बस एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। ओके सब चांस, आपने तो सब्सक्राइब किया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस जाके देखेंगे, मैंने जापान के बारे में, मेरे लाइफस्टाइल के बारे में, और जो जो जापानी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत सारे टिप्स ऐसे दे रखे हैं जो उनको किसी ने कभी भी नहीं दिया, किसी ने कभी भी किसी भी सीनियर ने शेयर नहीं किया, वो शेयर कर रखे हैं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। सो डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट, गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, थम्स अप तो जरूर बनता है, और क्या बोलू, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग, और शेयर जरूर कीजिएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।